हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ, जिसमें हमारा अभी चैप्टर चल रहा है द प्रनाउन, यानी कि सर्वनाम, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था इनडेफिनेट प्रनाउंस के बारे में। इनडेफिनेट प्रनाउंस के कुछ रूल्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, उसके बाकी बचे रूल्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक इनडेफिनेट प्रनाउंस, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 आ जाता है, जिसमें सम के प्रयोग के बारे में बताया है। जिस प्रकार से हमने रूल नंबर 9 में ऑल के प्रयोग के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से रूल नंबर 10 है सम के प्रयोग के बारे में, जिसका मीनिंग निकलता है कुछ, कोई या फिर थोड़ा। इसको हम इनडेफिनेट प्रनाउंस के रूप में यूज करते हैं, नंबर को डिनोट करने के लिए या फिर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। नंबर में हम कैसे यूज करेंगे, सम ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर्स। तो यहाँ पे द बॉयज यानी प्लुरल काउंटेबल नाउन है, जो कि एक नंबर यानी कि संख्या के बारे में बताता है, इसलिए इसके साथ हम यूज करेंगे सम का। क्वांटिटी के रूप में कैसे है, सम ऑफ द शुगर हैज बीन कंज्यूम्ड। तो द शुगर ये क्या हुआ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये एक क्वांटिटी के बारे में बताता है, शुगर की क्वांटिटी के बारे में बताता है, इसलिए इसके साथ हम सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है सम ऑफ प्लस द प्लस प्लुरल काउंटेबल नाउन। इससे होता है संख्या का बोध, और जब इससे संख्या का बोध होता है तो इसके साथ हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में है जिसमें यूज किया हुआ है आर का। सेकंड है सम ऑफ प्लस द प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इससे बोध होता है मात्रा का यानी कि क्वांटिटी का, इसमें हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में हैज का यूज हुआ है सिंगुलर वर्ब के रूप में। सेम आपने ऑल के बारे में रूल नंबर 9 में पढ़ा था, सेम यहाँ पर रूल नंबर 10 में सम के बारे में बताया है। इसके बाकी बचे नोट्स भी आगे कवर करते हैं। सम का प्रयोग जो है कुछ, अनिश्चित, अमुक, कोई या अल्प के अर्थ के रूप में हम करते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव और क्वांटिटी एडजेक्टिव को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी संख्या और मात्रा का बोध कराने के लिए। संख्या का बोध कराएंगे तो सम को बोला जाएगा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर मात्रा का क्वांटिटी का ये बोध कराएगा तब इसको बोला जाएगा क्वांटिटिव एडजेक्टिव, इनडेफिनेट क्वांटिटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल है सम बॉयज आर रीडिंग, तो यहाँ पे सम का मीनिंग क्या निकलता है, कुछ। नेक्स्ट है सम मैन आर डोर इज वेटिंग, तो यहाँ पे सम का क्या मीनिंग निकलता है, अनिश्चित यानी कोई भी सम मैन। आई शैल बी बैक आफ्टर सम डेज, तो यहाँ पे सम का मीनिंग निकलता है कुछ, यानी सम डेज कुछ दिन। तो सम के बाद हम प्लुरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, जिससे मीनिंग निकलता है कोई, अज्ञात, अनिश्चित। इसके बाद हम सिंगुलर नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सम से जुड़ी एक टेबल दी गई है, इस टेबल को पढ़ते हैं और उसका हिंदी का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समबड़ी, समबड़ी होता है कोई व्यक्ति, समवन कोई ना कोई, समथिंग कोई वस्तु। उसी प्रकार से टेबल नंबर 2 में है सम हाउ, किसी ना किसी प्रकार से, सम प्लेस कहीं ना कहीं, सम टाइम किसी समय, सम टाइम्स कभी कभी, सम व्हाट सब कुछ, कुछ कुछ, समवेयर किसी जगह। तो दोस्तों, ये सम से बने कुछ वर्ड्स थे जिनको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, इससे आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव हो सकती है। तो इन वर्ड्स को आप नोट करिए, लिखिए और सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 11 पे। दोस्तों, रूल नंबर 11 आ जाता है, जिसमें एनी के प्रयोग के बारे में बताया है। एनी का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, एनी का प्रयोग हम कोई या कुछ के अर्थ में करते हैं। एनी का प्रयोग हम कोई और कुछ के अर्थ में इनडेफिनेट प्रनाउन के रूप में संख्या को यानी कि नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे यू कैन मीट एनी ऑफ दीज हीरोज, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एनी का प्रयोग हुआ है कोई के अर्थ में। और नेक्स्ट है यू कैन बाय एनी ऑफ दीज पेंस, तो एनी का यहाँ पे यूज हुआ है कुछ के अर्थ में। तो दोस्तों, आगे यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए जो एनी से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से एनी का प्रयोग जो है हम कोई, कुछ या कैसे भी, किसी भी प्रकार के अर्थ में हम कर सकते हैं। एनी का मीनिंग क्या क्या मान सकते हैं, कोई भी, कुछ, कैसे भी, किसी भी प्रकार, तो तब इसको बोला जाता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में हम एनी का यूज कर सकते हैं। और एडजेक्टिव मतलब ये किसी नाउन के साथ इनका यूज होगा,
इसका प्रयोग जो है नेगेटिव और अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस के रूप में हम सिंगुलर और प्लुरल नाउन से पहले करते हैं, यानी एनी का प्रयोग जो है हम नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कहाँ पर, जहाँ पर सिंगुलर और प्लुरल नाउन का प्रयोग होगा उनसे जस्ट पहले। जैसे कैन यू गिव मी एनी बुक, तो बुक क्या है, सिंगुलर नाउन है, इससे पहले हमने एनी का यूज किया है, और ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है। कैन यू गिव मी एनी बुक्स, तो यहाँ पर भी हमने एनी का प्रयोग किया है इससे पहले, प्लूरल नाउन से पहले। एनी का प्रयोग हम इन दो अर्थ में भी कर सकते हैं, किस अर्थ में, और अधिक या फिर कुछ और, इस अर्थ में भी हम इनको कर सकते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब जो कि वर्ब के साथ इनको जोड़ा जाएगा। और इस केस में एनी का प्रयोग जो है नेगेटिव, इंटरोगेटिव और कंडीशनल इन सेंटेंस के रूप में हम यूज कर सकते हैं। जैसे वी आर टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, तो टू गो के साथ यहाँ पे एनी का यूज हुआ है। इज योर मदर एनी बेटर, तो यहाँ पे भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया है एडवर्ब के रूप में। आगे दोस्तों यहाँ पे एनी से जुड़े कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिनका मीनिंग हम पढ़ लेते हैं, समझते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे एनीबॉडी, एनीबॉडी का मीनिंग होता है कोई भी, एनीवन कोई भी, एनीथिंग कोई चीज या फिर कोई बात। आगे है एनी हाउ, किसी भी तरह जैसे भी हो सके, लापरवाही से, एनीवे किसी न किसी प्रकार से, एनीवेयर किसी भी जगह, एट एनी रेट या एट एनी कॉस्ट या फिर इन एनी केस, हर हालात में, प्रत्येक दशा में, ये जो है इनको बोला जाता है एडवर्ब, और ऊपर जो दिए गए हैं ये है प्रनाउंस। आगे दोस्तों रूल नंबर 12 आ जाता है जिसमें मोस्ट के यूज के बारे में बताया है। मोस्ट का यूज हम अधिकांश के अर्थ में करते हैं, और इसका यूज जो है इनडेफिनेट प्रनाउन के रूप में संख्या और मात्रा दोनों का बोध कराने के लिए हम कर सकते हैं। कैसे, नंबर के रूप में, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर अब्सेंट इन द क्लास, तो मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो द बॉयज क्या है, यहाँ पर बॉयज यानी लड़कों की संख्या बताई गई है, इसलिए संख्या के रूप में मोस्ट का यूज हुआ है, मोस्ट ऑफ द बॉयज, ज्यादातर व्यक्ति, ज्यादातर लड़के। मोस्ट ऑफ द मनी हैज बी स्पेंट, यहाँ पे क्वांटिटी के रूप में मोस्ट का यूज हुआ है, क्योंकि मनी क्या बताती है, क्वांटिटी। नेक्स्ट यहाँ पे इससे जुड़े नोट्स हैं, जैसे अभी तक हम हर रोल्स में पढ़ते हुए आए हैं। फर्स्ट है मोस्ट ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसका प्रयोग अगर इस प्रकार से मोस्ट का यूज होता है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि नंबर के रूप में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, नंबर के केस में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ प्लस द प्लस सिंगल अनकाउंटेबल नाउन, इस तरह से सेंटेंस के अंदर मोस्ट का यूज किया जाता है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जैसे सेकेंड सेंटेंस में हैज बीन जो कि सिंगुलर वर्ब है, और फर्स्ट सेंटेंस में आर जो है प्लूरल वर्ब के रूप में है जो कि नंबर को एक्सप्रेस करता है। मोस्ट का प्रयोग जो है मच की सुपरलेटिव डिग्री के रूप में भी कर सकते हैं, यानी मच मोर मोस्ट, ये मच की डिग्री होती है जो कि इस मोस्ट जो है इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, किसकी, मच की, तब इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, और इसका मीनिंग निकलता है सर्वाधिक या अधिकतम के अर्थ में, मोस्ट यानी कि सर्वाधिक या अधिकतम, तब इसको एडजेक्टिव माना जाता है, तब हम संख्या का बोध कराने के लिए या फिर मात्रा का बोध कराने के लिए दोनों तरह से हम मोस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हु हैज डन द मोस्ट वर्क, सबसे ज्यादा काम किसने किया, तो वर्क क्या है, यहाँ पर सिंगल अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने मोस्ट को जोड़ा है जो कि एक मात्रा का बोध कराता है। नेक्स्ट है मोस्ट का प्रयोग जो है वेरी मच के अर्थ में एडवर्ब के रूप में हम कर सकते हैं, और एडवर्ब किसके साथ जुड़ता है, एडवर्ब किसके साथ जुड़ा होता है, वर्ब के साथ, तो वर्ड इज वरिंग यू मोस्ट, तो यहाँ पे खाली मोस्ट का यूज हुआ है जो कि एक एडवर्ब की कंडीशन को बताता है जो कि वर्ब यानी वरी के बारे में, वरी को स्पेशल बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है मोस्टली, मोस्टली का मीनिंग होता है अधिकतर, ज्यादातर यानी बहुत ज्यादा, मुख्य रूप से, इसको तब हम एडवर्ब मानते हैं, और इसको कैसे यूज करते हैं, ही इज मोस्टली अब्सेंट, तो एडवर्ब के रूप में मोस्टली यानी कि ज्यादातर, ज्यादातर वह अब्सेंट रहता है। तो ये थे मोस्ट के प्रयोग, आगे देखते हैं इसकी टेबल। मोस्ट से जुड़े यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट है ऑल द मोस्ट, जिसका मीनिंग है अधिकतम, ऑलमोस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट, इसका मीनिंग है अधिकतर या प्राय, ऑलमोस्ट अधिकतर, टू मेक द मोस्ट ऑफ, सबसे अधिक सुविधा का प्रयोग करना। तो ये थे मोस्ट से बने फ्रेजेस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रूल नंबर 13 आ जाता है जो इनफ के प्रयोग के बारे में बताता है। इनफ का इनडेफिनेट प्रोनाउंस के रूप में हम यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है काफी या पर्याप्त।
इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूप में कर सकते हैं, और संख्या और मात्रा का दोनों का बोध कराने के लिए हम इन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, ही हैज सेंट मी इनफ ऑफ द मिल्क, तो या इनफ का यूज हुआ है क्वांटिटी के रूप में, क्योंकि मिल्क यहाँ पे एक क्वांटिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट है, सी हैज सीन इनफ ऑफ द एक्ट्रेस, तो यहाँ पे इनफ का प्रयोग हुआ है नंबर के रूप में संख्या का बोध कराने के लिए, क्योंकि एक्टर क्या है यहाँ पे, एक्ट्रेस क्या दर्शाते हैं, संख्या। आगे दोस्तों यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है इनफ का प्रयोग हम काफी और पर्याप्त के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, जो संख्या या मात्रा का बोध कराता है। यानी ऊपर हमने पढ़ा था इनफ ऑफ द मिल्क, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इनफ मिल्क यूज कर सकते हैं, यानी आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक क्वांटिटी के रूप में, देयर आर इनफ बॉयज इन माई क्लास नंबर के रूप में। नेक्स्ट है, इनफ का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में भी कर लेते हैं, जिसका अर्थ निकलता बहुत, काफी, जितना चाहिए उतना। जैसे फर्स्ट है, द राइस इज नॉट बॉयल्ड इनफ, यानी इनफ यहाँ पे यूज हुआ है एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में। नेक्स्ट है, यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, तो यहाँ पे इनफ का प्रयोग हुआ है किसके रूप में, एडवर्ब के रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों, कभी कभी इनफ का प्रयोग जो है सफिशियंसी यानी प्रचुरता के अर्थ में भी कर लेते हैं, यानी इस मीनिंग के रूप में, प्रचुरता मीनिंग के रूप में हम इनफ का यूज कर लेते हैं। तो कैसे, आई हैव डन मोर देन इनफ, यानी हम बहुत प्रचुर मात्रा में कार्य कर चुके हैं, तो यहाँ पे इनफ का मीनिंग निकलता है प्रचुरता यानी सफिशियंसी। नेक्स्ट है, श्योर इनफ, जो इनफ का एक फ्रेज है जिसका अर्थ निकलता है निस्संदेह और निश्चित रूप से, सर्टेनली यानी डिसाइडली। इसका यूज हम सेंटेंस के अंदर करते हैं, जैसे ही इज श्योर इनफ, ही इज श्योर इनफ टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये थे इनफ के रूल्स, अभी हम पढ़ते हैं इफ यू के रूल्स। तो इफ यू, इफ यू क्या है, एडजेक्टिव है, इनडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में हम इसका यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है कुछ। यह एक संख्या का बोध कराता है, कैसे, जैसे इफ यू ऑफ दीज पेंस आर ओल्ड, तो इफ यू क्या, इनडेफिनेट प्रोनाउन है जो एक संख्या के बारे में, एक पेंस की नंबर के बारे में बताता है। इफ यू ऑफ अस हैव सीन द रेड फोर्ट बट ही इज अ मैन ऑफ यू वर्ड्स, ये क्या है, यहाँ पे भी इफ यू का यूज हुआ है जो कि एक संख्या के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों मच, पहले हमने मोस्ट पढ़ा था जो मच का सुपरलेटिव डिग्री था, अब हम पढ़ते हैं मच के बारे में। मच का प्रयोग जो हम ज्यादातर एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, एडजेक्टिव ये वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के साथ जुड़ते हैं। जब हम मच का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसका मीनिंग माना जाता है बहुत कुछ या बहुत, और इसको कहाँ पर लगाया जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। कैसे, मच डिपेंड्स ऑन वॉट ही सेज, तो मच को किसके साथ जोड़ा है, डिपेंड्स के साथ। नेक्स्ट है, मच ऑफ वॉट ही सेज इज ट्रू, तो मच ऑफ वॉट, तो ये किसके साथ जुड़ा है, वॉट के साथ। नेक्स्ट है, ही डजेंट नो मच अबाउट मी, तो मच अबाउट मी के साथ जुड़ा है। मच फूड हैज बिन कंज्यूम्ड, तो यह मच किसके साथ जुड़ा है, फूड के साथ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो मच क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव। नेक्स्ट कुछ नोट्स आ जाते हैं जो मच के बारे में बताते हैं। मच का प्रयोग हम एडजेक्टिव के अलावा एडवर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, जिसका मीनिंग निकलता है बहुत, अधिक। तो सी इज मच बेटर टूडे, तो यहाँ पे हमने मच का यूज किया एडवर्ब के रूप में, यानी मच बेटर के रूप में। आगे दोस्तों यहाँ पे मच से जुड़े कुछ फ्रेजेज आ जाते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं और उनका हिंदी में मीनिंग याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट है, दिस इज, दिस और डैट मच, इतना या उतना सारा। नेक्स्ट है, मेक मच ऑफ, इसका मीनिंग है को बहुत महत्व देना। एज मच एज, उतना ही, समान मात्रा में। हाउ मच, कितना, कितनी मात्रा में। मच ऑफ साइज, प्राय एक ही परिमाण का। नेक्स्ट है, टॉकिंग मच, बकवादी यानी बहुत ज्यादा बात करना। टू मच, बहुत ज्यादा, अत्यधिक। ये है कुछ फ्रेजेज जो मच से बने हैं, जिनके यहाँ पे हिंदी में मीनिंग दिए गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं रूल नंबर 16 पे। रूल नंबर 16 में लिटिल के प्रयोग के बारे में बताया गया है। अब कौन सा इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाता है, लिटिल, जिसको हम सामान्य रूप से एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, जिसका मीनिंग निकलता है छोटी, थोड़ा, छोटा, बहुत थोड़ा, न्यून, अल्प मात्रा में। इस तरह से हम लिटिल का यूज कर सकते हैं बहुत कम चीज को बताने के लिए। जैसे फर्स्ट है, प्लीज स्टे ए लिटिल टाइम हियर, तो एडजेक्टिव है, तो लिटिल को टाइम के साथ जोड़ा है, और यहाँ पे लिटिल का प्रयोग हुआ इनडेफिनेट प्रनाउन के रूप में, थोड़े समय के, थोड़े समय को बताने के लिए। आई सा ए लिटिल बॉय, मैंने छोटे लड़के को देखा,
तो यहाँ पे छोटा लड़का क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ लिटल। यू हैव डन वेरी लिटल फॉर मी, तो यहाँ पे लिटल का यूज किसके साथ हुआ, वेरी के साथ। ही नोज ए लिटल ऑफ एवरीथिंग, तो यहाँ पे आप लिटल का यूज करना सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर एक टेबल है जिसमें लिटल के कुछ फ्रेजेज बताए गए हैं जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग है। जैसे फर्स्ट है ए लिटल रादर, तो समवट भी हम इसको लिख सकते हैं जिसका मीनिंग होता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है ए लिटल वाइल, जिसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी थोड़ी देर के लिए। लिटल नोन यानी कि अप्रसिद्ध, बहुत कम जिसके बारे में पता है, यानी नोट फेम, जो फेमस ना हो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 17 आ जाता है जिसमें वन के प्रयोग के बारे में बताया है। वन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट कैसे है, वन का प्रयोग जो है हम मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर इनके साथ हम कर सकते हैं। जहाँ पे ये मीनिंग निकालता है बहुत सारी संख्याओं में से एक नंबर। बहुत सारी संख्या क्या हो सकती है, हम मैस्कुलिन जेंडर के रूप में भी हो सकते हैं, फेमिनिन जेंडर के रूप में भी हो सकते हैं और न्यूट्रल जेंडर के रूप में भी हो सकते हैं। मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग और न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसकलिंग। तब हम इनके साथ अगर हम वन का यूज करते हैं तब तब वन को माना जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। फॉर मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर में हम वन का यूज करते हैं, जैसे वन ऑफ अस, तो अस क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो वन ऑफ अस को कैसे यूज करेंगे, वन ऑफ अस हैज गिवन ऑफ वंस ऑनेस्टी, सेकेंड है वन ऑफ अस हैज गिवन ऑफ हिज ऑनेस्टी। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं वन ऑफ अस यानी मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात हुई है। तो वन का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा और ना ही स्त्रीलिंग जेंडर का प्रयोग होगा, ना ही फेमिनिन जेंडर का प्रयोग होगा, किसका यूज होगा, हिज का। नेक्स्ट है फॉर फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए। वन ऑफ द गर्ल्स, समझ गए होंगे ये फेमिनिन जेंडर के रूप में यूज हुआ है। वन ऑफ द गर्ल्स हैज गॉटन 80% मार्क्स इन हिज एग्जामिनेशन, तो हिज का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, हर का। नेक्स्ट है फॉर न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर के रूप में हम कैसे यूज करते हैं, दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच हैव देयर ओन रिकॉग्निशंस। तो वन ऑफ द बुक्स, न्यूट्रल जेंडर के साथ हमने वन का प्रयोग किया है तो हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, इट्स का, ना कि देयर का। तो दोस्तों ये थे वंस के रूल्स। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस के रूल्स के बारे में पढ़ा है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जिसमें हमने पढ़े हैं एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। उसके बाद हमने ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, नन, लिटल, वन, इनके प्रयोग के बारे में पढ़ा है, इनके रूल्स के बारे में पढ़ा है, इनको सेंटेंस के अंदर हम कैसे यूज करते हैं, कब हम इनको एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, कब हम इनको एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, कब हम इनको नंबर को डिनोट करने के लिए, संख्या को डिनोट करने के लिए इनका यूज करते हैं, और कब हम इनका यूज करते हैं मात्रा को बताने के लिए, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये सभी रूल्स हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस के कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की वीडियो से हम शुरू करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।